Today is the third part. आज तीसरा भाग है जो सामने आप स्क्रीन पे देखते हैं. इस विषय पर हम आपको दो हफ्ते शिक्षा दे चुके हैं. Today is the third week. कितने लोग हैं यहाँ पर जो पिछले हफ्ते नहीं थे और उसके पिछले हफ्ते भी नहीं थे? कितने लोग हैं यहाँ पे? All right. So कुछ लोग हैं जो नहीं थे. ओके okay, सो हम आपको इस विषय पर हम चर्च में शिक्षा दे रहे हैं कि कलीसिया में, चर्च में, सत्संग में हम जब आते हैं तो वहाँ पर हमारे आपस में जो संबंध होते हैं लोगों के साथ, उसके बारे में हम आपको सिखाना चाहते हैं. और उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं, किसी भी चर्च में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हमारे कुछ काम होते हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं वहाँ पर जो हमको पूरी करनी होती हैं. आपको मैं क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था आज से 11 साल पहले, मुझे नहीं मालूम था कि चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर मैं एक दूसरे के साथ संबंध बनाता हूं. मुझे लगता था चर्च में आने का मतलब है चर्च में आओ और परमेश्वर से मिलो, अपनी आराधना करो, वचन सुनो, प्रार्थना करो, आशीष पाओ, घर वापस चले जाओ. मुझे ऐसे लगता था कि चर्च ऐसी जगह है. अब सुनो ध्यान से, चर्च में हम जब आते हैं, हम चर्च में, कलीसिया में, सत्संग में प्रभु जी से मिलने आते हैं, ये बात सही है. लेकिन हम चर्च में सिर्फ प्रभु से मिलने आते हैं ऐसा नहीं है. हम जब चर्च आते हैं हम सिर्फ प्रभु के साथ मुलाकात करने नहीं आते हैं, चर्च में हम एक दूसरे के साथ भी मिलते हैं. जैसे हम चर्च में आते हैं प्रभु के साथ हमारा संबंध मजबूत करने आते हैं, उसी प्रकार हम चर्च में एक दूसरे के साथ भी अपना संबंध को मजबूत करने आते हैं. ये हम आपको सिखाना चाहते हैं. और फिर सिर्फ संबंध बनाते हैं, दोस्तियां बनाते हैं, बस वही काम है? नहीं, सिर्फ वो नहीं है. पहला काम प्रभु से मिलना, दूसरा काम एक दूसरे से मिलना, और तीसरा काम जो मेरी जिम्मेदारी है चर्च में, जो मुझे पूरा करनी है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा काम है चर्च में, मुझे वो पूरा करना है. इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं कलीसिया में हमारे आपसी संबंध और कलीसिया में हमारी जिम्मेदारियां. दो चीजें हम देख रहे हैं, कलीसिया में हमारे संबंध और कलीसिया में हमारी जिम्मेदारियां. हमने जो पहली बात सिखाई थी दो संडे पहले, द थिंग दैट वी लर्न टू संडेज अगो वॉज कि हम एक समुदाय का हिस्सा होने के लिए और उसमें संबंध, मजबूत संबंधों के लिए रचे गए थे. वी वर क्रिएटेड फॉर दिस वेरी रीजन दैट वी शुड बिलोंग इन अ कम्युनिटी. यू सी गॉड डिड नॉट, परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया. परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य आदम को, परमेश्वर ने कहा, पहली बात उसने कहा, तेरे लिए अकेला रहना ठीक नहीं है, तेरे लिए मैं एक सहायक दूंगा. तो परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को दे दिया. गॉड गेव ईव टू एडम फॉर ईच अदर, बट देन गॉड टोल्ड देम, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा अब तुम एक समाज बनाओ, अब तुम एक समुदाय बनाओ, अब तुम एक अच्छा समाज बनाओ जिसमें बहुत से लोग हों और उसमें मेरा प्यार झलकना चाहिए. परमेश्वर की ये योजना थी. ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बाइबल लिखा हुआ है, बाइबल के पहले पन्ने पर लिखा है कि परमेश्वर एक समाज को चाहता है. कोई भी आदमी अकेला टूट कर समाज से रह नहीं सकता. रह सकता है? अगर एक आदमी अकेला रहे उसे क्या हो जाएगी? लोनलीनेस, डिप्रेशन, अकेलापन, बीमार पड़ जाएगा वो. हमारे घरों में अपने बच्चे का जन्मदिन भी मनाने के लिए माता पिता और बच्चा कभी अकेले बर्थडे नहीं मनाते ना. ऑलरेडी तीन है, शुड बी सफिशिएंट ना. ऑलरेडी तीन लोग तो हैं, माता पिता और उनका बच्चा, तीनों मिलकर बर्थडे मना सकते हैं. लेकिन आमतौर पर बर्थडे लोग कैसे मनाते हैं? अपने दोस्तों को मनाते हैं. क्यों? हमारा दिल ऐसा है. From inside, we are meant for community, for fellowship, for friendship, for belonging to one another. इस प्रकार परमेश्वर ने हमारी रचना की है. हम अंदर से चाहते हैं मेरे दोस्त हों, हम कहीं पे बैठ के हंसी, यू नो, बातचीत करें और मिलके मूंगफलियां खाएं, खाना खाएं. सब लोग समझ, आप मेरे साथ हो सारे? इस हम रचे गए हैं इस तरीके से. उसी प्रकार कलीसिया में परमेश्वर नहीं चाहता आप सिर्फ प्रभु से मिलने आए. प्रभु चाहते हैं कलीसिया में, चर्च में, सत्संग में आप एक दूसरे के साथ दोस्ती बनाएं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करें. हालेलुया. वी वर क्रिएटेड टू बिलोंग इन अ कम्युनिटी एंड हैव नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, ऐसे संबंध जिसमें हम एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं, मजबूत संबंधों के लिए. एक नर्चरिंग रिलेशनशिप मतलब अगर नवनीत के साथ मेरा एक स्पेशल संबंध, कनेक्शन, दोस्ती है, तो इसके साथ मेरी दोस्ती कैसी है? सारे बोलो, नर्चरिंग दोस्ती. नर्चरिंग का मतलब मैं नवनीत के जीवन में मैं कुछ डालूंगा ताकि ये बढ़ जाएगा, और नवनीत मेरे जीवन में कुछ डालेगा ताकि मैं
बढ़ जाऊंगा. नर्चरिंग रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे को बढ़ाने वाली दोस्ती. बोलो, एक दूसरे को बढ़ाने वाली दोस्ती. अब सवाल उठता है, आपकी दोस्तियां हैं चर्च में ऐसी? बहुत बार हम अपने चर्च के लोगों को जानते तक नहीं है. अब अगर चर्च में 200 लोग आते हैं, आप 200 लोगों के साथ दोस्ती करो, ऐसा ना तो संभव है ना ऐसा करने के लिए आपसे कहा जा रहा है. बट फिर भी आपका एक सर्कल होना चाहिए चर्च में, और वो सर्कल धीरे धीरे बढ़ता जाना चाहिए. आज आप चर्च में 4 लोगों को जानते हैं, 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद कम से कम 8 लोगों को, 10 लोगों के साथ जानना, दोस्ती करना, उनकी सेवा करना जरूरी है. आपको सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चर्च में, सारे बोलो चर्च में, बोलो सत्संग में, मैं सिर्फ परमेश्वर से मिलने नहीं आता, मैं एक दूसरे से मिलने आता हूं. ओके, प्राथमिकता, प्राइमरी परमेश्वर है, लेकिन उसके बाद हम एक दूसरे के साथ भी मिलते हैं और हम सच्ची दोस्ती बनाते हैं. इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको आगे बताऊंगा. दूसरी बात जो हमने सीखी थी, अगर आप एक समुदाय का हिस्सा बन गए हैं तो वो आपको जिम्मेदारियां देगा. अगर आप एक समुदाय का हिस्सा हैं तो उसमें आपको जिम्मेदारियां भी होती हैं. ये किसी भी संबंध में ऐसा है, राइट? शादी के पहले लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं है, उसके बाद उनका उनकी मंगनी हो गई तो जानने लगे, लेकिन जब शादी हो गई तो एक अलग प्रकार का जिम्मेदारी होती है जो निभानी पड़ती है, राइट और रॉन्ग? उसी प्रकार किसी भी संबंध में, अगर आप एक समुदाय का हिस्सा बन गए हैं, अगर आप एक चर्च का हिस्सा बन गए हैं, तो फिर चर्च में जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी. अब लेनी पड़ेगी क्योंकि गुड़गांव चर्च ने फैसला किया है, इसलिए नहीं, क्योंकि बाइबल हमको सिखाती है. हालेलुया, बाइबल हमें सिखाती है कि तुम लोगों की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें चर्च में निभानी है. चर्च में सिर्फ ऐसे मत आओ कि आप 6 बजे आ जाओ और सत्संग अटेंड करो और 8 बजे भाग जाओ. नहीं, ये आपका जीवन नहीं होना चाहिए. हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें पूरा करना है, और इसलिए आज हम आपको कलीसिया में लोगों की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चर्च मेंबर्स. अगर आप चर्च के लोग मेंबर हैं, अगर आप सत्संग आते हो, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? जानना चाहते हैं आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? यू वॉन्ट टू नो, जानना चाहते हैं आप? तो आपकी पहली जिम्मेदारी है लगातार चर्च आना. देखो, पति पत्नी का संबंध की बात करते हैं, ठीक है? अभी पति बोले पत्नी को, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, और 7 दिन से घर नहीं आया. 7 दिन से घर नहीं आया, प्यार करता है वो? उसी प्रकार अगर हम चर्च में, अगर हम संबंध स्थापित करते हैं, अगर हम चर्च में दोस्तियां बनानी चाहिए हमें, अगर चर्च में हमें एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे की सेवा करनी है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, तो कैसे करोगे अगर चर्च में आओगे ही नहीं? बहुत बार हम इस चीज को हल्के में लेते हैं. चर्च आना बहुतों के लिए बड़ा हल्केपन की बात है. मतलब जब वी कम टू चर्च अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, हम हमारी सहूलियत के हिसाब से चर्च में आते हैं. कितने लोग हैं जो अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑफिस जाते हैं? कोई है? क्या हम ऑफिस हमारी सहूलियत के हिसाब से जाते हैं? हल्का सा पेट दर्द हो तो भी हमें ख्याल आता है कि अगर मैं पेट दर्द के मारे छुट्टी कर लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तनख्वाह कटी जाएगी. हम अपने नौकरियों पे नहीं जाते हैं सहूलियत के हिसाब से. खुदा के घर क्यों? प्रभु के घर आरामदायक तरीके से जाना, ये कहां से सीख लिया हमने? ये हमारा कंज्यूमर एटीट्यूड है. ये आजकल जो है ना जमाना, ये इस तरह पे चलता है. हम अपने मर्जी से जो मुझे अच्छा लगता है हम करना चाहते हैं. हम किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं तो हम कर लेंगे. वो चीज़ मुझे पसंद है तो मैं वो चीज़ को पालूंगा, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है तो मैं इस चीज़ को नहीं करूंगा. और ये सोच विचार के साथ हम चर्च को भी ले लेते हैं, और हम सोचते हैं मैं चर्च जाऊंगा अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो अपने मूड के हिसाब से. परमेश्वर ने कहा था नहीं, ऐसे नहीं. इसलिए अगर आप एक चर्च के मेंबर हैं, अगर आप एक चर्च के हिस्सा हैं, आपकी पहली जिम्मेदारी है, फर्स्ट दे, ये नर्सरी क्लास है. मैं सुबह सेक्टर 14 बता रहा था, ये नर्सरी क्लास है. कौन सी? लगातार चर्च आना तो एक शुरुआत है, बेबी स्टेप है लगातार चर्च आना. और चर्च अटेंडेंस को हल्के में नहीं लेना. देखो बाइबल क्या कहती है, कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं. बाइबल बताती है हिब्रूज 10:24-25,
पवित्र शास्त्र बाइबल हमको सिखाता है, इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 24 और 25 पद संख्या क्या सिखाता है? और ध्यान रखें, सारे जोर से बोलो, ये सामने प्रभु का वचन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? शब्द क्या है? पढ़ो सारे, शुरू में क्या लिखा है? इस बात का हमें ध्यान रखना है। कौन सी बात का? और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। हमें जब चर्च आते हैं एक दूसरे को, सारे जोर से बोलो एक दूसरे को, हमें एक दूसरे को प्रेम करने में और भले काम करने में एक दूसरे को उत्साहित करना है। मिलजुल के कोई काम करना है, भला काम करना है, प्रेम करना है, सेवा करनी है, एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। और देखो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। इकट्ठा होना ना छोड़ो मतलब चर्च आना ना छोड़ो। ये कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ ना, ये बाइबल का वचन है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो मतलब चर्च आना ना छोड़ो, सत्संग आना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है। पढ़ो क्या लिखा आगे, जैसा कि कितनों की, मतलब जैसा कि कितनों की आदत है। बहुत लोगों की आदत है एक संडे चर्च आए तो लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई आज तो मेरी, आत्मिक स्पिरिचुअल अचीवमेंट, चर्च अटेंडेड। और फिर तीन संडे नॉर्मल लगता है, अभी तो गए थे। बाइबल कहती है इसको हल्के में मत लो, चर्च आने को हल्के में मत लो। यह भी लिखा है बाइबल में, बहुतों की रीति है, बहुतों की आदत है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। रेड में लिखा होगा, हाँ, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। कैसे करोगे अगर चर्च ही नहीं आओगे? करोगे? और अगर आप बोलोगे मैं 4 हफ्ते चर्च नहीं आऊंगा, फोन पे करूंगा एक दूसरे को एनकरेज, वो आपकी बात मानेगा? वो बोलेगा तू खुद तो चर्च आता नहीं है, मेरे को फोन पे लेक्चर दे रहा है, नहीं बोलेगा? इसलिए इकट्ठा होना ना छोड़ो, चर्च आना ना छोड़ो, लगातार चर्च आ जाओ। लिखा है कि जिस और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। कौन से दिन की बात हो रही है? जब प्रभु वापस आएगा, मतलब प्रभु वापस आने वाला है, यीशु इस धरती पर वापस आने वाला है, जल्दी वापस आने वाला है। जीसस इज कमिंग अगेन। यीशु 2018 साल पहले इस दुनिया में आया था, परमेश्वर था वो, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने धरती बनाई, परमेश्वर ने आसमान बनाया, परमेश्वर ने सूरज चांद सब कुछ बनाया, उसने समुद्र इकट्ठा कर दिया, उसने पहाड़ बनाए, उसने आपको और मुझको बनाया, हाल दुनिया की जब शुरुआत हुई थी। और उसके बाद मनुष्य ने क्या किया? पाप कर दिया। और जब मनुष्य ने पाप किया तो परमात्मा और मनुष्य का संबंध क्या हो गया? टूट गया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है, और जब मनुष्य ने पाप किया वो परमेश्वर से अलग हो गया। और तब से लेके, जब से ये दुनिया में पाप आया है तब से लेके परमेश्वर और मनुष्य का कोई भी आपस में संबंध नहीं था। लेकिन 2018 साल पहले परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना पुत्र यीशु इस धरती पर भेज दिया, हालेलुया, ताकि उस क्रूस पर जो आप देखते हैं, जो पाप आपने और मैंने किया है, जो गुनाह आपने और मैंने किया है, जो दुष्कर्म आपने और मैंने किया है, मन से, वचन से, कर्म से जो हमने पाप किया है, उस पाप की सजा प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने ऊपर उठा ली। और वो धर्म ग्रंथ के मुताबिक यीशु क्रूस पे मर गया, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, और 3 दिन के बाद मुर्दों में से दोबारा जीवित हो गया और आसमान में चला गया वापस। और हम उस दिन को, क्या लिखा है, उस दिन को वापस आता देखकर। कौन सा दिन? जब यीशु वापस इस दुनिया में जीवितों और मुर्दों, जितने लोग मर चुके हैं और जितने लोग उस समय जिंदा होंगे, हालेलुया, ही विल कम टू जज, उनका न्याय करने आएगा, हालेलुया, पूरी दुनिया का न्याय। हम वो गीत गाते हैं ना, सारी दुनिया का न्याय तेरे हाथों, तेरे द्वारा होना है, सारी दुनिया का न्याय। उसमें सिर्फ क्रिश्चियन लोग नहीं होंगे, सिर्फ मसीही लोगों का न्याय नहीं करेगा, क्योंकि सारे लोगों का रचयिता वही है। लोग उसको जाने या नहीं जाने अलग बात है, लेकिन वो सबको जानता है क्योंकि उसने सबको बनाया है। और इसलिए जब यीशु वापस आएगा, जो कि कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कोई नहीं जानता वो कब आएगा, पर उसने कहा था वो दिन ऐसे होगा जैसे एक चोर आता है। चोर कभी व्हाट्सएप करता आने से पहले? किसी को चोर ने व्हाट्सएप कराया आने से पहले?
प्रभु ने कहा जैसे चोर आता है वैसे आऊंगा मैं, तुम लोग तैयार रहना। क्या आप तैयार हैं? हमारे विश्वास का मिस्ट्री, हमारे विश्वास का भेद यही है। मसीह धर्म ग्रंथ के मुताबिक मारा गया, मसीह धर्म ग्रंथ के मुताबिक गाड़ा गया, मसीह धर्म ग्रंथ के मुताबिक दोबारा जीवित हो गया, मसीह धर्म ग्रंथ के मुताबिक वापस आसमान में चला गया, और मसीह धर्म ग्रंथ के मुताबिक पूरी दुनिया का फैसला करने के लिए वापस आ रहा है। हालेलुया। और इसलिए हमें एक दूसरे को एनकरेज करना है, लगातार चर्च में आना है, लगातार संगति में रहना है और एक दूसरे को एनकरेज करना है। आप सोचो कितना है आपकी जिंदगी में ये एक दूसरे वाला काम, हाउ मच ऑफ इट इज गोइंग ऑन। एक दूसरे को क्या करना है, क्या लिखा है, एक दूसरे को उत्साहित करना है, फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। आर यू डूइंग दिस इन योर लाइफ? क्या आपकी जिंदगी इस एक दूसरे वाले कामों से नजर आती है? क्या कर रहे हैं आप एक दूसरे को एनकरेज? हम कर रहे हैं एक दूसरे की बुराई, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, एक दूसरे की बातों से बुरा मान के बैठ जाना, एक दूसरे को इग्नोर करना। वचन क्या कहता है? एक दूसरे को क्या कर? एनकरेज कर, प्रोत्साहित कर, आगे बढ़ा, क्षमा कर, प्रेम कर, सेवा कर। मैं आज आप लोगों से सवाल पूछता हूं, आपकी जिंदगी में, आपके चर्च लाइफ में कितना एक दूसरे के साथ, कितना कितना क्या क्या हो रहा है? कभी बैठ के लिस्ट बनाना, क्या कर रहे हो एक दूसरे के साथ, कितना एक दूसरे के, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, कितना एक दूसरे को प्रभु के रास्ते में चलने के लिए एनकरेज करना चाहते हो। आप लोग मेरे साथ हैं जो मैं बोल रहा हूं, अग्री करते हैं? अपनी कलीसिया के समुदाय में सच्चे मित्र बनाएं और संबंध स्थापित करें जिसमें आप एक दूसरे को बढ़ा सकें। ये मैं पहले से बोल चुका हूं, चर्च में सिर्फ प्रभु को मिलने नहीं आओ, चर्च में एक दूसरे की सेवा करने और सच्ची दोस्तियां बनाने के लिए चर्च में आओ। आज मैं मेरे जीवन में जो कुछ भी हूं वो सब कुछ प्रभु का वरदान है, लेकिन वो प्रभु का वरदान किसके माध्यम से, किसके द्वारा मेरी जिंदगी में आया? एक मित्र के द्वारा आया। वो मित्र इस चर्च में है, इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा आपके मसीह में, जो आपके मित्र हैं उनके द्वारा परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर डायरेक्टली आपको सपने में दर्शन दे सकता है, बट परमेश्वर का चुना हुआ तरीका क्या है? वो वचन के द्वारा बात करता है, और वो मसीह में जो हमारे चर्च के बहन भाई हैं उनके द्वारा हमारी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। इसलिए आपको किसी एक चर्च का मेंबर बनना है, आपको किसी एक चर्च में लगातार टिक के आना है, ताकि कोई आपकी जिंदगी में आपसे प्रेम कर सके, आपकी सेवा कर सके, आपको आगे बढ़ा सके, ताकि कोई हो आपकी जिंदगी में जिसके द्वारा परमेश्वर आपके साथ बात करे। इसलिए चर्च में सच्ची दोस्तियां होना जरूरी है, चर्च में आप लोगों के आपस में संबंध होना जरूरी है। इसलिए सोचो आज कितने लोग हैं चर्च में जो आपके फ्रेंड्स हैं, कितनी बार आप अपने चर्च के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ करते हैं। चर्च में आपकी दोस्तियां होनी चाहिए, और वचन क्या सिखाता है कि प्रेम निष्कपट होना चाहिए, सच्चे हृदय के साथ, लेट लव बी जेन्युइन, जेन्युइन तरीके से, मतलब प्योरिटी के साथ, क्या बोलते हैं, शुद्धता के साथ आप एक दूसरे के साथ सेवा करें। जैसे अगर मैं दोस्ती कर रहा हूं निहाल के साथ, तो मैं दोस्ती कैसी कर रहा हूं? एक पवित्रता के साथ, एक सच्चे प्रेम के साथ, इसकी भलाई को मन में रखते हुए मैं इसके साथ। ये नहीं कि अच्छा निहाल ना काम का बंदा है, निहाल क्या है? काम का बंदा है, निहाल को ये काम करना आता है, तो मैं बना के रखूंगा इसके साथ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। स्वार्थ नहीं होना चाहिए दोस्ती में। इनफैक्ट दोस्ती उससे करो जो कभी आपके काम नहीं आ सकता। कहने का मतलब, सच्ची दोस्ती होगी तो कोई भी आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा, बट अपने स्वार्थ के हिसाब से कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा वो आदमी थोड़ी रसूख रखने वाला, थोड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, इसके साथ लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे काम का होगा। नहीं, ऐसा नहीं। लेट लव बी जेन्युइन, सच्चे हृदय के साथ एक दूसरे के साथ दोस्ती करें, उसकी भलाई को मन में रखते हुए दोस्ती करें। आगे क्या लिखा हुआ है?
प्रेम निष्कपट हो. बाय द वे ये रोमियो 12:9 का पहला भाग, लेकिन अभी हम रोमियो 12:9 का दूसरा भाग क्या कहता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो. मतलब अगर मैं आप आ जाओ बेटे, इधर आपका नाम क्या है, हाँ आ जाओ, नितिन है, ठीक है, मैं नितिन को चर्च में नितिन की सेवा करना चाहता हूँ, मैं नितिन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, तो मैं नितिन के साथ अच्छी गहरी दोस्ती करूँगा. मैं नितिन को हफ्ते में 3 बार फ़ोन करूँगा, हफ्ते में 1 बार 1 घंटे के लिए मैं नितिन के साथ टाइम स्पेंड करूँगा. प्रेम निष्कपट होना चाहिए, लेकिन नितिन के साथ जो बुरा नितिन के अंदर जो बुरी चीज़ है उसके साथ समझौता नहीं करूँगा. बुराई से घृणा, व्यक्ति से घृणा मत करो, व्यक्ति से नफरत मत करो, लेकिन अगर व्यक्ति में कोई बुराई है, अगर मैं सच्चा प्रेम करता हूं तो मैं इसकी बुराई को दबाऊंगा नहीं, मैं इसके साथ 3-4 महीने दोस्ती रखूंगा, फिर जब ये मुझ पर भरोसा करने लगेगा तो मैं नितिन से बात करूंगा, नितिन मैंने आपके अंदर दोस्त एक बात देखी है, आपको ना ये काम करना आपके लिए उचित नहीं है. नितिन क्या आप प्रार्थना करोगे मेरे साथ और मेहनत करोगे कि इस बुराई को आप छोड़ सको? ये है दोस्ती. समझौता नहीं करना है गलत काम के साथ, लेकिन व्यक्ति को प्रेम करना है. पता है प्रेम जेन्युइन, प्रेम झूठा या हल्का प्रेम कब होगा? जब मैंने दोस्ती करी इसके साथ और जब मैंने इसके अंदर कोई बुराई को देख लिया तो ओ माय गुडनेस यार ये तो बंदा खराब है, तो इसको जिंदगी से निकाल दिया. क्यों? इसके अंदर बुराई है. ध्यान रखो, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी कोई ना कोई बुराई है, तो बुराइयों के साथ दूसरों को एक्सेप्ट करना है, वरना आप सिर्फ स्वर्ग में दोस्ती बना पाओगे फरिश्तों के साथ, क्योंकि धरती पर सब लोग हमारे अंदर कमियां हैं. इसलिए जब मैं इसके अंदर कोई कमियों को देखता हूं, मैं इसकी कमियों के बावजूद इसके साथ प्यार करता हूं, लेकिन मैं सच्चे हृदय से इसको प्यार करूंगा. अपने घुटनों पर होकर बंद कमरे में ये मुझे देख भी नहीं रहा, लेकिन मैं इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर इस बच्चे को, इस नौजवान को तेरा दर्शन दे और इसको पवित्र बना. यह है सच्चा प्यार, यह है सच्ची दोस्ती. जब आप अपने दोस्तों के लिए, जो चर्च में आने वाले लोग हैं, जिनकी जिंदगी में आप निवेश करना चाहते हैं, जब आप गुप्त में उनके लिए प्रार्थना करेंगे. मैं नितिन को दिखावा नहीं कर रहा, पता नितिन मैंने आपके लिए बहुत प्रार्थना की. क्यों? इसको क्यों दिखाना है? इसके साथ मिलके आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन इसको मत दिखाओ कि आप इसके लिए प्रभु के सामने रो रहे हो, लेकिन प्रार्थना करो इसके लिए. हालेलुया. बुराई से घृणा करो, जो इसके अंदर बुराई है और मेरे अंदर जो बुराई है. अगर नितिन मेरा दोस्त बन रहा है तो क्या जॉय दूध का धुला है? मैं भी एक मनुष्य हूं, तो नितिन भी मेरे साथ जब दोस्ती करेगा, नितिन को मेरी बातें समझ में आएंगी. जॉय भैया के अंदर ना ये एक प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेगा, ये मुझसे बात करेगा, भैया ये चीज़ मैंने आपके अंदर देखी है, इस चीज़ को अपने अंदर ख़त्म करने, प्रभु की आत्मा से अपने अंदर ख़त्म करो. मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा, ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा. मैं इसकी मदद करूँगा, ये मेरी मदद करेगा. क्योंकि दोस्ती का, बैठ जाओ बेटा, सच्ची मित्रता दूसरे व्यक्ति की भलाई चाहती है. सारे बोलो, सच्ची मित्रता दूसरे व्यक्ति की भलाई की कामना करता है. और इसलिए दिस इज अ हाई स्टैंडर्ड, अ वेरी हाई रिक्वायरमेंट कि आपको सच्चा प्यार करना है चर्च में एक दूसरे के साथ, और उसके शुद्धिकरण के लिए, उसके सैंक्टिफिकेशन के लिए, उसके पवित्रीकरण के लिए आपको मेहनत करनी है, प्रार्थना करनी है, लगातार मिलना है उसके साथ. पर मुश्किल है. डू यू नो वन थिंग दैट इज फाउंड इन एवरी ह्यूमन बींग ऑफ दिस वर्ल्ड? एक ऐसी बात जो दुनिया के हर एक आदमी में है, वो ये है, हर एक आदमी स्वार्थी है. दिस अप्लाइज टू एवरी सिंगल ह्यूमन बींग इन दिस वर्ल्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन. वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, हर एक मनुष्य स्वार्थी है और अपने बारे में सोचता है. इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि ये कठिन होगा, क्योंकि मनुष्य बाय नेचर सेल्फिश है, अंदर से वो सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है. एंड देयरफॉर यू कैनॉट बी, आप सच्चे दोस्त नहीं बन सकते हैं, जैसे कि पॉलुस अगले वर्स में सिखाता है, जब तक आप एक दूसरे के प्रति कमिटेड और डिवोटेड नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, उसके दोस्त नहीं बन सकते.
इसलिए अगर मैं नितिन के साथ सच्ची दोस्ती करना चाहता हूं तो पहले मुझे परमेश्वर के सामने जाके नितिन को लेकर के मुझे परमेश्वर के सामने नितिन के प्रति क्या होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। प्रभु मैं इस व्यक्ति के जीवन में काम करना चाहता हूं और मैं इस व्यक्ति की सेवा और इसको आपका रास्ता दिखाना चाहता हूं, आपका वचन सिखाना चाहता हूं, मैं इस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूं। यू कैनॉट लव अ पर्सन अनलेस यू आर डिवोटेड टू दैट पर्सन। आप किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकते जब तक कि आप उस व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं हैं। सो बी डिवोटेड टू वन अनदर। इसलिए ये जरूरी है भाइयों बहनों। तीसरी जो हमारी जिम्मेदारी है, वी हैव बीन लुकिंग एट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चर्च मेंबर्स एंड द फर्स्ट पहली जिम्मेदारी क्या है हमारी, सब जोर से बोलेंगे, पहली जिम्मेदारी क्या है? लगातार चर्च आना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? अपनी कलीसिया के समुदाय में सच्ची मित्रता रखना और संबंध स्थापित करना जिसमें आप एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। हमारी तीसरी जिम्मेदारी है सुसमाचार से गहरा प्रेम करना। हालेलुया। सुसमाचार के साथ, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, व्हाट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस, परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार जो मैंने आपको बताया वो यही है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में पापों के लिए मरने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया के सब लोगों के पापों के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए आया और वो तीन दिन के बाद मुर्दों में से दोबारा जीवित हो गया, और जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया। और वो मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है और उसके वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है। इसमें तीन चीजें हम देखते हैं, सुसमाचार के साथ गहरा प्रेम करना, सुसमाचार की रक्षा करना और उसकी घोषणा करना। सुसमाचार से गहरा प्रेम करना, इसके विषय में हम ये देखते हैं कि पौलुस जो है गलातियों की कलीसिया को डांट लगा रहा है, वो डांट रहा है कि तुम लोग जो तुमको मैंने सुसमाचार सुनाया था तुम लोग उसमें से भटक रहे हो, तुम छोड़ रहे हो सुसमाचार को। इस प्रकार सुसमाचार से प्रेम करना है, उसमें जुड़ के रहना है। क्या है सुसमाचार? पौलुस यहां पे लिखता है कि मैंने ये बात जो मुझ तक पहुंची उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक पहुंचा दी। सुसमाचार से गहरा प्रेम करना, सुसमाचार को प्राथमिकता देना, क्योंकि पौलुस ने सुसमाचार को मुख्य जानकर, लाल रंग में क्या लिखा है पहले सारे बोलो, मुख्य जानकर, ये सबसे बड़ी जानकारी है, ये सबसे बड़ा सुसमाचार है। पौलुस कहता है कि ये बात जो मुझ तक पहुंची उसे मैंने मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी, आगे वाली पीढ़ी को दे दी। वो कहता है कि इस बात को मुख्य जानकर, ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, पॉल सेज दिस इज ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। और क्योंकि ये पासवर्ड है, मुक्ति का पासवर्ड है, और इसलिए मैंने इस बात को इंपॉर्टेंट समझ के तुमको दे दिया है। जितने माता पिता हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप सुसमाचार अपने बच्चों को सुना रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों को बता रहे हैं? अगर आपके बच्चे गोद में हैं, अभी तो समझ नहीं सकते, बट क्या आप अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे बच्चे बड़े होकर तुझे जान जाएं और तेरा नाम ले अपनी जीवन भर? लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने बात, हाथ नीचे कर लें अपना, पौलुस कहता है कि मैंने ये बात मुख्य जानकर तुम तक पहुंचा दी, कि सारे पढ़ो मेरे साथ क्या लिखा है, सारे पढ़े, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, यीशु मेरे पापों के लिए मरा, ये सबसे मुख्य बात है। आपका पेट दर्द ठीक हो गया, आपकी आपको नौकरी मिल गई, आपके लड़ाई झगड़े दूर हो गए, ये प्राइम इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, ये तो बोनस है, साइड वाली चीजें हैं। मुख्य बात क्या है? क्या तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं? क्या तुमने यीशु पर विश्वास किया है? अगर तुमने यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो तुम अपने पापों में मरे हुए हो। कि यीशु पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और सुसमाचार की आगे हम देखते हैं, सुसमाचार की रक्षा करो। ये जो सबसे खूबसूरत जानकारी है कि परमेश्वर लोगों के लिए स्वयं मनुष्य बन के धरती पे आया, परमेश्वर ने स्वयं लोगों के पापों को
उनके ऊपर डालना चाहिए था, लेकिन लोगों के पापों को क्या किया विवेक, अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, ये सबसे बड़ी जानकारी। इसलिए इस सुसमाचार की रक्षा करो। क्या मतलब है सुसमाचार की रक्षा करने का मतलब क्या है, कि झूठी शिक्षा से सावधान रहो। हर एक वो शिक्षा जो आप टेलीविजन पे रात को 10 बजे देखते हो, जो आप अलग अलग चैनल्स पे देखते हो, जहां पे कोई व्यक्ति बाइबल लेके खड़ा होता है लेकिन उसकी शिक्षा बाइबल पे आधारित नहीं होती है, सावधान रहो। रात को 10 बजे टेलीविजन पर मसीह के नाम का प्रोग्राम टीवी में आता है लेकिन सारे प्रोग्राम सच्ची खरी शिक्षा को नहीं देते हैं। वो कैसी शिक्षा देते हैं, खुजली वाली शिक्षा। सारे बोलो कैसी वाली शिक्षा। अगर हमें खुजली हो रही होती है, मैं कभी कभी अपनी पत्नी को बोलता हूं जरा यहां से खुजलाना, अगर हमें खुजली होती तो मैं अच्छा लगता कि नहीं अच्छा, जब कोई करता है खुजली है, खुद करते हैं आराम मिलता कि नहीं मिलता। टेलीविजन पर बहुत बार और यूट्यूब पर भी सावधान, फेसबुक पर आने वाले, व्हाट्सएप पर आने वाले छोटे छोटे क्लिप से सावधान। सुनो लेकिन परखो। बोलो सुनूंगा लेकिन परखूंगा। वो ऐसी शिक्षा है जैसी कि आपको खुजली हो रही है, कोई आपको खुजला रहा है, अच्छा लग रहा है, और मजा दिलाने वाली शिक्षा। तुम लोगों का पासपोर्ट क्या, तुम लोगों का वीजा लग जाएगा, तुम बाहर के देश में पहुंच जाओगे, तुम लोग अपना पर्स खोलो और प्रभु के नाम में तुम्हारे पर्स में अभी पैसे आ जाएंगे, पर्स खोलो अपना, सब लेडीज अपना पर्स खोलो। और इस प्रकार ये शिक्षा हम टेलीविजन पे आजकल, किसने कहा कि परमेश्वर आपको अमीर बनाने का काम करता है, बाइबल नहीं सिखाती है। बाइबल ये कहती है परमेश्वर स्वयं सब चीजों को इंजॉय करने के लिए हमें देता है, उतना ठीक है, लेकिन हम बाइबल ये नहीं सिखाती है मसीह में आ जाओ अमीर हो जाओगे, बाइबल नहीं सिखाती ऐसा। इसलिए इस सुसमाचार की रक्षा करनी है भाइयों बहनों, यू हैव टू प्रोटेक्ट द गॉस्पल। सुसमाचार की रक्षा करनी है और उसके लिए जो झूठी शिक्षा है, जो शिक्षा बाइबल पे आधारित नहीं है, अर्थात क्या लिखा है, क्या लिखा ब्रैकेट में, झूठी शिक्षा, जो शिक्षा बाइबल पे आधारित नहीं है उसे त्यागो और ठुकराओ। पर आगे एक सवाल है, चैलेंज है, प्रॉब्लम है कि आप कैसे झूठी शिक्षा को पहचानोगे और ठुकराओगे जब आप बाइबल पे आधारित शिक्षा को प्यार ही नहीं करते। अगर आपको पता ही नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है, अगर आप बाइबल में डूबे हुए व्यक्ति नहीं है, अगर आप वचन को लगातार सुनने वाले व्यक्ति नहीं है, अगर आप बाइबल को लगातार पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है, तो कोई झूठी शिक्षा आएगी आप उसको सच्चा समझ के एक्सेप्ट कर लोगे और अपनी आत्मा को दाव पे लगा दोगे। इसलिए प्रभु के समय से ही, प्रभु के मुर्दों में से जिंदा हो जाने के बाद, कलीसिया की स्थापना हो जाने के 20-30 सालों के अंदर अंदर झूठे प्रचारक खड़े हो गए थे। ये कोई 21वीं सदी की प्रॉब्लम नहीं है, ये शुरू से होता आ रहा है, झूठे प्रचारक, उनसे सावधान रहो। बाइबल में डूब जाओ, बाइबल पढ़ो, और जो शिक्षा झूठी है, गलत है, उसको ठुकरा दो। और तीसरा है, सुसमाचार की घोषणा करके उसे फैलाओ। प्रोक्लेम द गॉस्पल, डोंट जस्ट प्रोटेक्ट द गॉस्पल बट प्रोक्लेम द गॉस्पल, घोषणा करो सुसमाचार की। हम देखते हैं कि पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5:11 में, हम दूसरों को यकीन दिलाते हैं, वी परसुएड अदर्स। ये पौलुस प्रभु का वचन कहता है, हम दूसरों को क्या क्या दिलाते हैं, आप लोग मेरे साथ हो गए नहीं, थक गए सब, हम दूसरों को यकीन दिलाते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, हम किसको यकीन दिलाते हैं, जो यकीन नहीं कर रहा। क्या आपकी जिंदगी में आपने किसी को यकीन दिलाने की कोशिश की है प्रभु के बारे में? झगड़ा और वाद विवाद नहीं करना है, उठाकर एक किताबें नहीं किसी के ऊपर फेंकनी है, लेकिन प्रेम के साथ उनके साथ आप बात कर सकते हैं, उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरों को यकीन दिलवाना है, दूसरों को विवेक क्या करना है, यकीन दिलवाना है कि यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है, यीशु ही है जो पापियों से प्रेम करता है, यीशु ही है जिसने पापियों के लिए अपनी जान दी है। दिस वॉज द लाइफ स्टाइल ऑफ पॉल।
पॉलुस के ये जीवन शैली था। आपका जीवन शैली है दूसरों से प्रभु के बारे में बात करना, पॉलुस का था। सामने देखिए बाइबल क्या बताती है, दूसरा कुरिन्थियों 5:18-20 में बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। कौन सी सेवा? कौन सा मेल मिलाप? लोगों का परमेश्वर से मेल मिलाप। अब मुझे एक बात बताओ, मेल मिलाप किनका करवाया जाता है? जिनकी आपस में बातचीत नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनकी परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं है। बाइबल के मुताबिक जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता उस पर विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर का दुश्मन है। पवित्र शास्त्र बताता है कि वो परमेश्वर का दुश्मन है, रोमियो के मुताबिक बाइबल में लिखा हुआ है और इफिसियों के मुताबिक लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है क्या लिखा है, वो अपने पापों में मरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने आप और मैं, पहले हम भी ऐसे थे, हम स्वर्ग से संत नहीं गिरे हैं, पहले हम भी 11 साल पहले मैं मसीह को नहीं जानता था, 11 साल पहले मैं परमेश्वर का दुश्मन था, 11 साल पहले मैं मेरे पापों में मरा हुआ था, लेकिन 2007 में अक्टूबर महीने में परमेश्वर ने मेरी आत्मा को बचा लिया, क्योंकि किसी ने इस मेल मिलाप की सेवा को मुझ तक पहुंचाया और मुझे बताया। परमेश्वर ने यह मेल मिलाप की सेवा आपको दी है। बोलो परमेश्वर ने, सारे अपना हाथ उठाएं और बोले परमेश्वर ने दूसरों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने की सेवा मुझे दी है। सो ये मत समझो पास्टर करेगा, इवेंजलिस्ट करेगा, वो नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको बताएगा कि आप करो। बाइबल के मुताबिक ये है काम पास्टर का। मेरा काम क्या है? आप लोगों को तैयार करना वचन के साथ, ट्रेनिंग दे के आप लोगों को तैयार करना ताकि आप बाहर जाकर के प्रभु के प्रेम के बारे में दूसरों को बताओ। परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा आपको दी है। दूसरा, उसने हमें मेल मिलाप का वचन दिया है। हम मेल मिलाप की सेवा कैसे करते हैं पूरी अमन? मेल मिलाप की सेवा कैसे पूरी करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? मेल मिलाप का वचन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम क्या हैं? मसीह के हम क्या हैं? तीसरा पर राजदूत हैं मसीह के। परमेश्वर का राज्य है, उसका राज घराना है और उसने पहले हमारे विश्वास के माध्यम से अपने राज्य का हमें और अपने परिवार का सदस्य बनाया है और फिर हमें संसार में भेज देता है। क्या बना करके? उसके राजदूत। मतलब हम दूत हैं किसके राज्य के? परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार का घोषणा करना भी आपका काम है। हमारी चौथी जिम्मेदारी मसीह की देह में अपना काम करना, अपनी सेवा का काम पूरा करना। फुलफिल योर फंक्शन, जो आपका काम है कलीसिया में। अभी इस समय सब थोड़े सतर्क हो जाएं, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। बहुत साधारण तरीके से पौलुस वचन में उसने कुछ लिखा जिससे हमको समझ में आ जाता है। पहले आप सामने का वचन देखें फिर मैं आपको बताता हूं। पढ़े सारे मिलके पढ़े, जिनको हिंदी आती सब पढ़े, 1, 2, 3 सब पढ़े। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में अनेक अंग हैं और सभी अंगों का एक कार्य नहीं है, वैसे ही हम भी जो अनेक हैं मसीह में एक देह हैं और एक दूसरे के अंग हैं। सब लोग अपना अपना क्या बोलते हैं, राइट हैंड दिखाएं मुझे, राइट हैंड। ओके, ये आपका शरीर है। जो आपका राइट हैंड है वो आपका शरीर है या शरीर का एक अंग है? ओके, अपना हाथ रखें, आपका हाथ है, बी प्राउड ऑफ इट। ओके, अपना लेफ्ट हैंड दिखा दें, अपना तीसरा हाथ दिखा दें, हाँ जी। ओके, अपना टांग दिखा दें, ये रही, हाथ लगाओ अपनी टांग पे, दोनों टांगों पे हाथ लगाओ। अपना कान बताएं, अपना नाक बताएं। ओके, हमारा शरीर है ये, हाँ या ना? इसमें अलग अलग अंग हैं, हर एक अंग। अच्छा माला बहन, बाहर ना वो टेबल के पास एक बाल्टी रखी है, ठीक है? आप ना अपने पैरों से बाल्टी उठा के लेके आएंगे, जरा प्लीज कोशिश करो, अपने पैरों से उठा के ले आएंगे प्लीज। पौलुस क्या कहता है? जो चर्च है, सत्संग है, एक शरीर है। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? जो चर्च है एक शरीर है और चर्च का हर एक व्यक्ति उस शरीर का एक क्या है? अंग है।
इसका मतलब अगर अभी किसका नाम लें, प्रखर भाई, ठीक है, प्रखर भाई खड़े हो जाएं, प्रखर भाई इस शरीर, ये प्रखर भाई पूरा पूरा शरीर है क्या, मसीह का क्या है, ओके, हम सारे क्या है, मसीह का, नहीं नहीं हम सारे मसीह का मिलके क्या है, शरीर है, कलीसिया चर्च सत्संग मसीह का क्या है, शरीर है, बाइबल बताती है, और उसमें से हर एक व्यक्ति क्या है, उसका एक एक अंग है। प्रखर भाई मसीह के शरीर का क्या है, एक, अगर प्रखर भाई अपना काम नहीं कर रहा तो क्या ये कलीसिया स्वस्थ होगी, बताओ, अपना बैठ जाओ, अपना राइट हैंड उठाओ, अगर इस राइट हैंड में कुछ हो जाए और ये राइट हैंड आप ऊपर नहीं उठा सकते, वहीं का वहीं अटका हुआ है, और ये धीरे धीरे किसी का होना वैसे ऐसा मैं बोल रहा हूं, धीरे धीरे सूखने लग जाए, क्या आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे? अगर आपके राइट हैंड में कुछ हो जाए, क्या मैं कह सकता हूं कि तुम्हारा शरीर बड़ा हेल्दी है, स्वस्थ है, कह सकता हूं? उसी प्रकार अब यह है पते की बात, अगर आप लोग सारे बोलो यदि मैं, सारे बोलो यदि मैं, ओके, अब सुने ये वचन पे आधारित है, ध्यान सुने, अगर आप चर्च में जो काम आपको करना है, क्योंकि आप एक अंग हैं, अगर आप अपनी सेवा का काम चर्च में नहीं कर रहे हैं तो ये चर्च बीमार है। आपको लगता है पास्टर तो है ना, सोनू भी है, वेरोनिका भी है, स्वपिल भैया भी हैं, तो ठीक होना चाहिए चर्च, लेकिन अगर आप लोग चर्च में सुस्त हैं, अगर आप लोग चर्च में अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो काम आपको करना है यदि आप नहीं कर रहे हैं, तो यह चर्च आपकी वजह से बीमार है। सुनने में नहीं अच्छा लगता ना, पर यह सच है। इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, द चर्च इज अनहेल्दी बिकॉज ऑफ यू, द चर्च इज इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, चर्च आपकी वजह से, सारे बोलो चर्च मेरी वजह से, ये कन्फेशन है, बोले चर्च मेरी वजह से बीमार है, अगर मैं चर्च में अपनी सेवा नहीं कर रहा हूं। सो डू नॉट थिंक दैट यू आर अ ग्रेट अचीवर इफ यू कम टू चर्च एवरी संडे एंड दैट्स ऑल दैट यू डू। अगर आपको लगता है आप हर संडे चर्च में आते हो और कभी भी छुट्टी नहीं मारते, लेकिन आप सिर्फ चर्च में आते हो, ना किसी से बातचीत, ना कोई काम धंधा, ना कोई सेवा का काम, तो आप बहुत बड़ा कामयाबी आपने हासिल नहीं करी है, इनफैक्ट आप स्वार्थी हैं। अगर आप चर्च में हर संडे आते हो पर सिर्फ अपने लिए आते हो, तो आप क्या हैं, स्वार्थी हैं। We have brought the same selfish attitude that was there in the world and in us before we became to Christ, but we come to the church with the same attitude of selfishness. What do I get from the church? जो स्वार्थ हमारे अंदर मसीह में आने से पहले था, वही स्वार्थ को, वही भावना को, वही स्वार्थपन को मैं चर्च के अंदर ले आता हूं, और चर्च के अंदर भी यही सोचता हूं कि मुझे क्या मिलेगा। तो आपका कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई काम है इस चर्च में, दुनिया के हर चर्च में ये बेसिक लॉ लागू होता है, हर एक लोकल चर्च में एक काम है, सेवा का काम है जो आपको करना है, और वो करने के द्वारा ही ये चर्च स्वस्थ हो जाएगा। एक पास्टर के दिल का दर्द पता है क्या होता है, एक पास्टर के दिल का दर्द दुनिया भर में पता क्या होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि लोग चर्च में आए, सचमुच में एक पास्टर देखना चाहता है कि मेरे चर्च में लाइफ हो, जिंदगी हो, मेरे चर्च में लोग आपस में जुड़े हुए हों, लोग एक्टिव हों, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सुसमाचार फैलाएं, क्योंकि ये परमेश्वर का सपना है। इसलिए स्वार्थ निकालें अपने अंदर से, और दूसरों की भलाई, दूसरों की चिंता करने के बारे में सोचें, और जो आपका काम है, वॉट एवर इज योर फंक्शन, जो आपको जो काम करना है, फुलफिल योर फंक्शन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड इफ यू डोंट डू द चर्च इज सिक बिकॉज ऑफ यू। और इसलिए सवाल उठता है, कैसे करूं मैं अपना काम, क्या सवाल है, मैं कलीसिया में अपना सेवा का काम कैसे करूं? बहुत सिंपल है, अपने वरदान को इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने, घर जाके आप रोमियो 12 अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिटेल में पूरा पढ़े रोमियो 12,
और आपको पता चल जाएगा परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को हर एक विश्वासी को कोई ना कोई अद्भुत आत्मिक वरदान दिया है. गॉड हैज गिवन अ स्पेशल स्पिरिचुअल गिफ्ट टू एवरी चर्च मेंबर. हालेलुया. सारे बोलो परमेश्वर ने मुझे कुछ वरदान दिया है. आपको पता है कि जो वरदान संजना बेटी के अंदर है जॉय पास्टर के अंदर भी नहीं है. जो वरदान बाला आंटी के अंदर है मेरे अंदर नहीं है. जो वरदान देवराज में है वो प्रखर में नहीं है. जो वरदान सिमी के अंदर है वो मंजू में नहीं है. जो वरदान उषा के अंदर है वो निकिता में नहीं है. इसीलिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता है ताकि सब अपना अपना वरदान इस्तेमाल करें और कलीसिया कंप्लीट और पावरफुल हो जाए. हालेलुया. आप सब चाहते हो चर्च में शक्ति हो, चर्च में पावर हो. आप चाहते हैं. वो पावर कब काम करेगा? जब एक एक व्यक्ति अपना अपना वरदान इस्तेमाल करेगा. हालेलुया. सो विश्वास करो इस बात पर कि आपके अंदर एक वरदान है जो आपने जन्म से नहीं पाया है. जन्म से हम कुछ खूबियां पा सकते हैं लेकिन विश्वास में आने पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक वरदान को डाल देता है. हालेलुया. और उस वरदान को बाइबल कहती है कलीसिया में सेवा के लिए इस्तेमाल करो, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो. फाइंड आउट, मैं किसी दिन आपको शिक्षा दूंगा वरदानों पर, कौन कौन से वरदान हैं, किस प्रकार हम अपने वरदानों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जान सकते हैं. हो सकता है यहां पर कितने हीलर्स बैठे हैं, मतलब सिर्फ खुदा जानता है. और आप लोगों को थोड़ा सीरियस होना है कि हो सकता है कितने चंगाई देने वाले यहां बैठे हैं लेकिन आप कर नहीं रहे. क्यों? पास्टर ही प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलेगी. हमारी सोच है ना ऐसी, पादरी प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलेगी. लेकिन शायद आप में से कुछ लोग हों ऐसे जिनको परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया है. आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको परमेश्वर ने हिम्मत के शब्द बोलने का स्पेशल वरदान दिया है. हिम्मत के शब्द. इस प्रकार अलग अलग वरदान है जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाले हैं. आप विश्वास कर रहे हो कि आपके अंदर वरदान है, कोई आत्मिक वरदान है? विश्वास कर रहे हैं आप? हाथ उठाएं. कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? फाइंड इट, फाइंड आउट एंड यूज इट एंड ब्लेस द चर्च. पता करो आपका वरदान क्या है, परमेश्वर ने डाला हुआ है आपके अंदर, और कलीसिया में एक्टिव, तत्पर हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, सक्रिय हो जाओ और चर्च में सेवा करो एक दूसरे की. गॉड हैज कॉल्ड अस टू अ डिफरेंट लाइफ देन द काइंड ऑफ लाइफ वी हैव बीन लिविंग बिफोर वी केम टू क्राइस्ट. जिस प्रकार का जीवन हम मसीह में आने से पहले जी रहे थे, परमेश्वर ने हमें उससे भी अलग हट के जीवन जीने के लिए बुलाया है. जी के देखो अच्छा लगता है वैसा जीवन. संसार के जैसा जीवन जीने में आनंद नहीं है, प्रभु के जैसा जीवन जीने में आनंद है. इसलिए विश्वास करो कि आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है. और आखिरी बात, हम अगले हफ्ते एक स्पेशल टॉपिक पे मैं आपको शिक्षा दूंगा जो कि हमारी छठी जिम्मेदारी है. अगले हफ्ते मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कम टू चर्च. अगले हफ्ते बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिस पर मैं आज तक हमने पब्लिकली बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं दी है, वो ये है आर्थिक रूप से चर्च में फाइनेंशियली अपने पैसों को चर्च में देना. बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है? अगले हफ्ते में आपको बहुत सारे पॉइंट हैं. इसमें 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स फाइनेंशियल. बाइबल 9 चीज़ें सिखाती है हमको फाइनेंशियल गिविंग के बारे में. अगले हफ्ते में आपको इसके बारे में बताऊंगा. ज़रूर आएँ ताकि प्रभु के वचन से आप सीख पाओ. लेकिन आज के लिए जो आखिरी है वो यही है, सत्संग परिवार में एक दूसरे की देखभाल करें, प्रैक्टिकल देखभाल करें. नॉट जस्ट कि भाई के पास कोई प्रॉब्लम है और मैं बोलूं भाई मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, ये देखभाल नहीं है. देखभाल है अगर भाई के पास कुछ कोई चीज़ बेसिक चीज़ है जो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, हम चर्च के लोग मिल करके भाई की उस चीज़ की पूर्ति करेंगे. कलीसिया एक परिवार है. सारे बोलो कलीसिया एक परिवार है. देखिए रोमियो 12:13 में ख़त्म कर रहे हैं अभी हम. रोमियो के 12:13 में क्या लिखा है? लोगों की जो आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो. जो प्रैक्टिकल नीड्स हैं, हो सकता है कि किसी घर में सचमुच में खाने को प्रॉब्लम है, हो सकता है सच में किसी के पास सर्दियों में ढंग से पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, हो सकता है किसी घर में कोई शादी है और उनके पास पैसों की बड़ी दिक्कत हो रही है, हो सकता है यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके घर में प्रॉपर पंखा तक नहीं लगा हुआ है. जो जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं आपकी, हो सकता है कोई बीमार है, बुरे बुरे तरीके से बीमार है, हो सकता है चर्च में किसी के पास इलाज के लिए दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं,
और कितनी बार इस चर्च में ऐसे लोग हम तक पहुंचे हैं और हम उनकी मदद करना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हर बार सिर्फ पास्टर या दो तीन लोग मिलकर ही करें। नहीं, उसमें मजा नहीं है यार, अगर आप लोग मिलकर करोगे उसमें आनंद है। हालेलुया। तो चर्च में अगर कोई है जिसकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, कोई आवश्यकता है, ये बाइबल सिखाती है, रोमियो 12 का इंग्लिश में बड़ा से लिखा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूट टू द नीड्स ऑफ द सेंट्स। जो संत लोग हैं चर्च में, संत लोग मतलब सारे विश्वासी लोग, विश्वासी लोगों की जो नीड्स हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करो। यू नो कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन? ये वाली, जेब में से निकालना है पैसा एक दूसरे की जरूरतों के लिए। ये कलीसिया का जीवन है, लाइफस्टाइल है चर्च का। कुछ लोग डर रहे हैं, डर लग रहा है, यही तो हमारा, यही तो परिवार का मतलब है। मैंने आपको बताया था कि पुराने नियम, सॉरी नई, जब कलीसिया शुरुआत हुई थी, हम देखते थे कि लोग अपनी जमीनों तक को बेच देते थे, लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर कलीसिया में एक दूसरे की जरूरतों के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। और इस प्रकार हमारे चर्च का, हर एक चर्च का ये एक फीचर होना चाहिए कि हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ करें। लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसमें उनकी सहायता करो, और बाद में लिखा है अतिथि सत्कार करने में लगे रहो। हैव पीपल इन योर होम, ओपन, आप अपना घर खोलो दूसरों के लिए, लोगों को अपने घर में आमंत्रित करो। ज्यादा पैसे नहीं है कोई बात नहीं, दाल चावल चटनी बना लो, लेकिन लोगों को अपने घर में बुलाओ, खाने पे बुलाओ। ये हमारे समाज में वैसे भी ये बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, बाइबल भी सिखाती है, अपने घर, अपने घरों में मसीह लोगों को बुलाओ, खाने पे बुलाओ, या कोई आपके घर पे आ जाए उनको अच्छे से उनकी सेवा करो। ये कलीसिया, कलीसियाई जीवन का एक चिन्ह है, ये कलीसियाई प्रेम है। कॉन्ट्रीब्यूट टू द नीड्स ऑफ द सेंट्स, सत्संग परिवार में एक दूसरे की देखभाल करें, अगर जरूरतें पड़ती हैं उनकी मदद करो, अदरवाइज आपके आपके परिवार में ये नॉर्मल फीचर होना चाहिए, लोगों को अपने घर में आमंत्रित करो, या चाय पर, या खाने पर, या जस्ट कहीं पे मिलके कहीं पे घूमने जाना। ये इस प्रकार हमारी दोस्ती इस प्रकार प्रकट होनी चाहिए। और आगे क्या लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, बाइबल बताती है। यह है देखभाल करने का मतलब। अगर किसी के यहाँ बेटा हुआ है, बेटी हुई है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, पहुंच जाओ उनके घर में बधाई देने के लिए। चर्च में अनाउंसमेंट की जाए और चर्च में आप फिर कुछ करोगे, व्हाट इज द पॉइंट? हर एक चीज को एक ऑफिशियल रूप क्यों देना है? इट शुड बी अ लाइफस्टाइल। अगर आपको सूचना मिली कि उनके घर में एक खुशी की बात है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, पहुंच जाओ उनके घर में मिठाई का डब्बा लेके, या जस्ट उनको बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच जाओ, बाइबल बताती है। और रोने वालों के साथ रो। अगर कोई दुख में है, परेशानी में है, मत सोचो कि बस चर्च का पास्टर जाएगा, नहीं, आप लोग जाएंगे। बाइबल सबको सिखाती है, जो रोते हैं उनके साथ रो। क्योंकि सुन मेरे भाई, अगर आप विश्वासी हैं और अगर आप किसी विश्वासी के साथ रोने के लिए जाते हैं, आप उनको वो हिम्मत दे सकते हैं जो बाहर के लोग उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप जीवित खुदा को जानते हैं। जब आप अपना हाथ उसके कंधे पर रखोगे, या जब आप उसके साथ गले लग के रोएंगे, आपके दिल से उसके लिए दुआ निकलेगी, वो दुआ काम करेगी। इसलिए देखभाल करने में ये भी होता है, दैट जो हंसते हैं, जो खुशियों में हैं उनके साथ खुशियां मनाओ, जो दुखों में हैं उनके दुखों को बांट लो जा करके। ये सब आपकी जिम्मेदारियां हैं चर्च में। हमने ज़्यादा सोचा नहीं था ना इसके बारे में, हाँ या ना? हम सिर्फ यही सोचते थे, हो सकता है अभी भी सोचते हैं, चर्च आता हूँ सिर्फ प्रभु का नाम लेने के लिए। कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, हमने पाँच, कितनी देख ली हमने? पांच जिम्मेदारियां देख ली हैं। अगले हफ्ते चर्च में दान देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस दान देने के बारे में बाइबल क्या सिखाती है, मैं आपको अगले हफ्ते सिखाऊंगा।